हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगा मॉन्स्टर मास्टर्स गेम का गेम प्ले। तो गाइस, मैं उसे ओपन कर लेता हूं। गाइस, मेरे एक वीडियो पे एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भाई मॉन्स्टर मास्टर्स के ऊपर वीडियो बनाओ, तो आज मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं गाइस। और ये आप देख सकते हैं, मैंने इसे पहले से ही एक चार दिन पहले इंस्टॉल किया था मैंने इसे आपको। और मैंने इसमें आप देख सकते हैं, ये मेरा प्रोफाइल है। मैंने सिल्वर 2494 ये कुछ स्टार्स हैं मैंने गेन कर लिए हैं। और ये मेरा पूरा प्रोफाइल है गाइस। और मैं अपने आपको पोकेमॉन दिखा देता हूँ, मेरा मतलब मॉन्स्टर दिखा देता हूँ। ये वॉलकब, और ये शायद वॉल्यूम आ रहा है इसमें, हाँ ये ब्रो। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इतने सारे मॉन्स्टर्स को पा लिया है एग से। और गाइस, अगर आप में से किसी को पता हो कि ये जो लार्बाइट है वो अच्छा है कि नहीं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं इसे लेवल अप करूँगा और इवॉल्व करूँगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ यहाँ पे लास्ट लाइन लिखा है, इट इज़ अ मिरेकल दैट सम ऑफ देम सर्वाइव अनटिल दे रीच एवोल्यूशन। तो मुझे लगता है कि इसे इवॉल्व करने के बाद ये बहुत ही कमाल का पोकेमॉन बनेगा, मेरा मतलब मॉन्स्टर बनेगा। तो गाइस, कमेंट करना ज़रा। और मुझे ये भी थोड़ा पता नहीं था कि यहाँ पे जो प्रोफाइल का फ़ोटो कैसे चेंज करना है, तो मुझे लगता है हम इसे चेंज नहीं कर सकते इस फ़ोटो को। ये मैंने बस पहली बार मुझे यही फ़ोटो आया था, तो मैंने इसे इस टैप करके रख दिया है। तो गाइस, अभी मैं बैटल स्टार्ट करता हूँ। आपको मैंने अपने पोकेमॉन्स भी दिखा दिए और प्रोफाइल भी। तो गाइस, ये कोई है 478 है इसके पास, अपने पास 491 है शायद। ओ, इसका तो इवोल्यूशन है, माय गॉड, ये मुझे लगता है सिर्फ दो ही बार से ख़त्म कर देगा। अरे भाई, बच के ऑस्मोडियन हेलमेट ले लेता हूँ पहले, ऑब्सीडियन हेलमेट, फायर बॉल। ओ माय गॉड, अरे यार, ये थोड़ा भी इंतज़ार नहीं कर रहा है, बस मारता ही चला जा रहा है। अरे भाई, थोड़ा इंतज़ार कर ले, चेंज करना पड़ेगा गाइस। तो मैं यहाँ पे स्काइरो को बुलाता हूँ, क्योंकि शायद हम स्काइरेट में इससे बच जाएंगे। ये बहुत ही ख़तरनाक फायर बॉल्स यूज़ कर रहा है। ये गया, ख़त्म। तो गाइस, अब ये मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं शॉक हो गया था गाइस, इसे देखना हो तो इसका जबड़ा कितना बड़ा है, इसके जबड़े से तो कोई बच ही नहीं सकता। आ गया, लग गई। थोड़ी देर हो गई, एक बार फिर से। अरे यार, अब नहीं बचेंगे। अब मेरा ब्रो इसे संभाल लेगा बस। अरे यार, तू बस टिका रहे मेरे भाई। हाँ, हम जीत गए। तो अब मैं पहले इसे सुसाइड स्टैंड देता हूँ, फिर किक। ओ, बीच में स्लीप पाउडर यूज़ कर दिया इसने, ठीक है किक। अरे यार, आदत होती है स्लीप पाउडर यूज़ करने की भी। रुक जा, थोड़ा इंतज़ार कर ले भाई। अरे यार नहीं, हाँ बच गया। अरे यार, ये फिर से स्लिप पाउडर यूज़ कर रहा है, धत तेरी की। मैं पहले गार्ड स्टैंस ले लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से मेरा हेल्थ ख़त्म कर देगा। आप देख सकते हैं गाइस, ये मेरे पास भी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कोई पोरो इसका नाम है। तो गाइस, मैंने देखा ये जब मैं खेल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो भी इसमें आ रहे हैं उनमें से कई के नाम तो पोकेमॉन के ही नाम से हैं, जैसे वो ड्रैगनाइट और ये ड्रैगला भी थोड़ा मैचिंग ही है। और एक और था, वो टैलन फ्लेम उसका नाम था गाइस। तो ये गया, और अब आ गया ये भोंदू। ये स्नोरलैक्स के जैसा दिखता है गाइस, लेकिन ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, एक मोटे कद्दू की तरह बस लेट गया है ग्राउंड पे आके। हाँ, लेकिन इसका बॉडी स्लैम बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस। इसका सिर्फ एक बॉडी स्लैम सब कुछ ख़त्म कर सकता है गाइस, बहुत ही ख़तरनाक बॉडी स्लैम देता है ये। ख़त्म बस। आप देख सकते हैं गाइस, 77 माइनस हो गए मेरे। इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। ये फिर से बॉडी स्लैम लेके आ रहा है।
हाँ मैं बच गया। तो गाइस आपने देखा अभी मैं जीत चुका हूँ, ये हार गई इसका VSNSHU। ओके तो गाइस अभी मैं शायद 500 के पार चला जाऊँगा। हाँ 515 हो चुके हैं, अब मैं एक बार फिर से बैटल करता हूँ गाइस कोई दूसरे पोकेमॉन के साथ, मेरा मतलब मॉन्स्टर के साथ। मैं इसका यूज़ करता हूँ गाइस अभी। ये वैसे मुझे कुछ खास तो दिखा नहीं गाइस, लेकिन मैंने इसे इवॉल्व किया, लेकिन ये कुछ ज़्यादा असर नहीं कर रहा है। शायद ये अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन में अच्छा परफॉर्म करेगा। इसका एनर्जी बॉल इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो रहा है गाइस, असर नहीं कर रहा है, तो मैं उसे ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहा हूँ। वाह ये बहुत ही अच्छा है कलर ग्रीन की। और ये आ गया इसका कुकी बीम। मैं पहले ऑब्सीडियन हेलमेट यूज़ करूँगा और फिर क्लॉस स्क्रैच अटैक का सोचा था बस। फिर अब एक फायरबॉल से खेल ख़त्म, नहीं नहीं ख़त्म, अभी तो ये ज़िंदा ही है, हमारा ही खेल ख़त्म हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर निकला बॉन बॉन डॉन डॉन। ये आ गया कोई पोरो। मैं पहले गार्ड स्टैंस ले लेता हूँ गाइस, नहीं तो ये पॉइजन पाउडर ये वगैरह वगैरह पूरे यूज़ करेगा। अब पॉइजन पाउडर फिर से लीच रूट्स नहीं यूज़ कर रहा है ये। ओके मैं अब सोच रहा हूँ अब मैं सुसाइड स्टैंस ले लूँ, लेकिन हेल्थ और जल्दी ख़त्म हो जाएगी अपनी, तो वैसे भी ख़त्म ही हो चुकी है। लीच रूट्स मैं यूज़ करूँगा गाइस पहले, तो अभी भी ये पॉइजन पाउडर यूज़ कर रहा है पता नहीं क्यों, शायद ये यूज़ नहीं करना चाहता है लीच रूट्स। हाँ यूज़ कर लिया शायद, नहीं किया। अब बारी आ गई बग, मेरा मतलब मौसू को, बग है ये, बग बाइट। और ये हो गया इसका गेम ओवर, गया काम से। अब ये आ गया लीफ कटर गाइस, ये मुझे थोड़ा सेप्टाइल की तरह दिखता है गाइस, क्योंकि इसका लीफ कटर वो लीफ ब्लेड की तरह दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा। ये स्काइरो, और गाइस ये इसी का एवोल्यूशन, स्काइरो का एवोल्यूशन टैलेंट फ्लेम है गाइस, मेरा मतलब यहाँ पे नाम लिखा है टैलेंट फ्लेम का, तो मैंने आपको बता दिया। मुझे लगता है आप में से तो ज़्यादा लोग जानते ही होंगे इस गेम के बारे में, और मेरे से भी अच्छा जानते होंगे। ये अरे यार ये तो वाट लगा दे रहा है, अरे 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 रुक जा भाई। तो गाइस ये मुझे ये जो इसका कुछ नाम था ब्लैक कलर वाले का, ये थोड़ा जोरवार्क की तरह दिख रहा है, क्योंकि ये कॉपी करके मेरे पोकेमॉन का, मेरे मॉन्स्टर का रूप ले लेता है, बॉडी शेप ले लेता है। अब मैं कोई दूसरे का यूज़ करता हूँ, चूब, चूब का यूज़ करता हूँ अभी, इसका नाम चूब है ना, हाँ चूब। तो गाइस अब मैं बैटल के लिए जाता हूँ, अभी अपना बैटल बॉक्स ओपन नहीं हुआ है, 2 मिनट्स बाद ओपन होगा, ठीक है। तो अभी ये नेक्स्ट वो लड़की है 478 मिनी कूल 63। ओके तो अब देखते हैं इसका, ओ टालूना टेलूना टेलूना क्लॉस फ्रीज। ओके ये भी क्लॉस यूज़ कर सकता है, उस ओबीसीडीएम हेलमेट यूज़ करता हूँ। ओ भाई बहुत ही खतरनाक दिख रहा है मुझे, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा इससे। ओ माइक ओ बड़े आराम से फिर से क्लॉस यूज़ करेगा ये, लेकिन ये बचेगा ही नहीं उसके लिए। आ गया ये थोड़ा गोर वर्क, तो मैं पहले यहाँ पे सुसाइड स्टैंस लेता हूँ और फिर किक जाके मारूंगा इसको ज़बरदस्त। ये हुई ना बात, अब एक और किक, बस ये एनर्जी बॉल ना यूज़ करें। हाँ राइट, अब हमें गार्ड स्टैंस लेना होगा गाइस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजन पाउडर, ओ बचे उसके लिए। तो अब बारी है लीच रूट्स की, ये पोई पोरो लेवल 4 का है, इसका पोई पोरो लेवल 5 का है।
कोई बात नहीं, स्लीप पाउडर यूज़ करता हूँ मैं, लीच रूट्स यूज़ कर रहा हूँ यार। बच के भाई बच के, थोड़ा आराम से यार। लीच रूट्स इसने भी यूज़ कर लिया गाइस, तो मैंने भी यूज़ कर लिया। अब पॉइजन पाउडर, अब तो तू गया, ये गया, इसका गेम ओवर, के ओ। अब पॉइजन पहले हम यूज़ करेंगे, फिर ये फ्लाई। ओके भाई सही, ये मस्केरो। ये मैंने अब फ्लाई ले लिया अपना। अब ये मैं फटैक से इसके ऊपर जाके अटैक करता हूँ। दे धनादन। ये आ गया, ये छतरी लेके, ये मुझे उसके जैसा दिखाई देता है गाइस, जो हमें पोकेमोन में दिखाए जाते हैं, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पिंक पिंक बैलून की तरह होते हैं वो, और उड़ जाते हैं हवा के छोटे से, बहुत ही हल्के होते हैं वो। इसका तो गेम ओवर। ग्लीमुट मिमी कूल 63 हार गई बेचारी। ओके तो गाइस अब मेरा स्टार्स कितने हो गए, 549। वाह, अब मैं ज़रा लीडर बोर्ड देख लेता हूँ। अरे यार तो गाइस मैं आपको अपना रैंक भी दिखा देता हूँ, शायद मैं कहाँ हूँ, यार मेरा नाम ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इन सबका तो 3000, 2000, 2500, 2400, इतने सारे पॉइंट्स हैं। तो मी पे जाने पर मुझे दिख रहा है मैं 549 पर हूँ, और मेरे से आगे जो टॉप में है वो 551 में है, सीज़न 57 में, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बैटल के लिए जाता हूँ। उससे पहले मैं सोच रहा था कि बैटल बॉक्स ओपन कर लूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ है, तो मैं फिर से थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ और मैच में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट कौन है, मुझे लगता है जो मेरे जैसा, नहीं मुझे लगा था मैं जो प्रोफाइल रखा हूँ वही वाला आएगा। अब इसके पास देखना है, ओह इसके पास तो गजब का पोकेमॉन है। तो गाइस ये मुझे थोड़ा एक लेजेंडरी पोकेमॉन जो हमें दिखाया गया था वहाँ पे, जहाँ पे ऐश जाता है ट्रेन करने के लिए स्कूल में, अलोला रीजन में, क्या नाम था इसका, लियो कुछ नाम था गाइस। तो मुझे ये वैसा ही दिखाई देता है थोड़ा, इसका नाम था कुछ याद ही नहीं आ रहा गाइस मुझे, ठीक है जाने से। ओ यार बस दो बच्चे हैं मेरे पास, दो पॉइंट, इसको जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। अरे भाई थोड़ा रुक जा यार, तू तब से फायरबॉल यूज़ कर रहा है, मुझे भी थोड़ा मौका दे दे। ये मैंने मारा तुझे, मैं नहीं बचूंगा। सुसाइड स्टैंड लेके पहले जाके मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ, और इसका गेम ओवर भाई। फायरबॉल बाद में यूज़ करना। तो गाइस मैं पहले गार्ड स्टैंड से यहाँ पर ले रहा हूँ, और अब किक, ये दे मारा मैंने। स्लीप पाउडर, अरे यार क्या स्लीप पाउडर पॉइजन पाउडर। अरे यार नक्को यूज़ कर स्लीप पाउडर, ठीक है। ओ, गई नीचे वाट लग गई, तो लीच रूट्स यूज़ करता हूँ अब, और अब बारी है पॉइजन पाउडर की, इसकी वाट लगा देना है अब। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, रुक, बहुत पॉइजन पाउडर यूज़ कर लिया तूने, अब तेरी वाट लगा दूंगा मैं। ये क्या हो गया गाइस, अरे भाई तुझे क्या हो गया, ये अलग ही नखरे कर रहा था, कुछ रेनबो हो गया था पूरा। स्काईरो, अब मेरे पास दो बचा है, उसके पास तीन बचे हैं, अब मुझे बहुत ही बच के रहना होगा इससे। मैं अब थोड़ा वेट करूँगा कि ये अपना फ्रीज मूव यूज़ करे। ओह माय गॉड, जल्दी उड़ यार, बच गए, बाल बचे। अब ये फ्रीज मूव नहीं यूज़ कर रहा है, इसको क्या हो गया, स्विचिंग, अच्छा ये स्विच कर रहा है गाइस, ये भी फ्लाई वाला यूज़ करेगा। ओ बहुत ही ज़्यादा शाना है,
आती। ठीक है भाई, फ्लाई ओ लगी लगी अपने को भी लगी। इसका मास्काइरो लेवल 5 का है। ओ बहुत सही बहुत सही यार। स्विचिंग, अरे यार मत स्विच कर। अरे यार क्या है वे तू भी। अरे नहीं 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 नहीं, वाट लगा दी तूने तो मेरी। अब शायद मैं हार जाऊंगा गाइस, क्योंकि वैसा ही लग रहा है मुझे तो। ये बहुत ही अच्छा खेल रहा है। ओ यार प्लैनेट, ओ प्लैनेट मूव। तो गाइस ये लगता है मैं हार चुका हूँ। नहीं अभी मैं जिंदा हूँ। ठीक है देख लेते हैं। अरे यार आराम से। अरे यार फ्लाई मूव मत यूज़ करना मत यूज़ करना। यस बच गया गाइस मैं तो। ओ यार मैंने सोचा था मैं जीत गया, लेकिन ये तो आ गया सबसे बड़ा शहंशाह। अब ख़त्म, गेम ओवर। जाने दो भाई, -12 हो गए अपने। अब अभी भी मैं 500 में ही रहूँगा शायद। हाँ 537। ठीक है एक बार फिर से बैटल करता हूँ गाइस अब मैं जाके। और अब सर्चिंग फॉर एन ओपोनेंट। ये आ गया क्रिस फुट 498, इसके पास स्टार्स हैं। ठीक है भाई तू दिखा अपने पोकेमॉन्स। ये आ गया ड्रा मार्केट। ओ यस, अरे यार मुझे मैंने सोचा था कि ये जब इमेटीरियल होता है तो हम जो भी मूव यूज़ करें उसे लगता नहीं है, लेकिन मैंने जब देखा कि उसे लगा वो मूव तो मैं शॉक हो गया देख के। वो शायद मुझे लगता है बस बीच बीच में ऐसा बस एक सेकंड के लिए इमेटीरियल होता है फिर से मेटीरियल हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। ये तो सिर्फ स्लीप पाउडर ही स्लीप पाउडर यूज़ कर रहा है गाइस। बारी है फायरबॉल की। बीच रूट्स, तू तो गया। अब आ गया ये, मैं अपना स्काइरो यूज करूंगा गाइस। मुझे नहीं, अरे यार इसने जिंदा ही नहीं छोड़ा। ठीक है कोई बात नहीं, मैं गार्ड स्टेंस लेता हूँ और मैं स्काइरो को बुलाता हूँ यहाँ पे। स्काइरो आ जा। आ गया, तो अब बारी है फ्लाई की। फ्लाई करेंगे। आ गया यहाँ पे हरिकेन। जल्दी उड़ जा जल्दी उड़ जा भाई भाई जल्दी उड़ जा। बच गए। अब फ्लाई मूव, दोनों मिस। ठीक है एक बार और, दोनों मिस। एक बार और, फिर से लगता है दोनों मिस। अरे यार ये रुक ही नहीं रहा है, स्विच कर रहा है ये। आ गया यहाँ पे कुकी भी, कुकी भी। ठीक है तो अब मैं यहाँ पे इसको बुलाता हूँ। ये फिर से कुकी भी मैं यूज़ कर रहा है, तो मैं गार्ड स्टैंस से हटा के इसे सुसाइड स्टैंस में देकर किक मारने लगाता हूँ। जा भाई मार, किक मार तू। उससे पहले इसकी ही वाट लग गई। ठीक है कोई बात नहीं, लीच रूट्स मैं यूज़ करूँगा और फिर उसके बाद कुकी भी, मेरा मतलब पॉइजन पाउडर। कुकी भी मैं ये यूज़ कर रहा है। ओहो अरे भाई आराम से, इतनी जल्दी भी क्या है। कुकी भीम पे कुकी भीम यूज़ कर रहा है तू। बच गया। अब बारी है पॉइजन पाउडर यूज़ करने की। ये मिस। ओहो अरे भाई, अरे रुक जा यार क्यों भाग रहा है ये, फिर से मिस करेगा। ओ यार ठीक है फ्लाई यूज़ करते हैं अब। ये मैंने मारा, ये फ्लाई यूज़ कर रहा है, इसने भी मारा मैंने भी मारा, हो गया। ये मास्क है, मास्कीरो तो गया। और अब आ गया ये कोई निकले पो पिरपो, क्या नाम है भाई, पिरपोइरो सीट। इसको तो बहुत दबा के लग रही है, मेरे चूब का तो हेल्थ ख़त्म होते ही चला जा रहा है। अरे यार हाँ बच गया मैं। ये गाइस जो अभी आया था नुटले, वो थोड़ा थोड़ा सनफ्लावर वाले पोकेमोन की तरह दिखाई दे रहा था मुझे, जो कुछ सनफ्ला सनफ्ला बोलते हैं
शायद वही था उसका, उनका नाम सनफ्लावर कुछ ऐसा ही कुछ नाम है, आपने तो देखा ही होगा उसे बहुत सारे रीजन्स में, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम। और अब आ गया ये पोई अमुंगस, ये अमुंगस नाम रखा है, लेकिन असल पोकेमोन का नाम अमुंगस है, जो हमें पोकेमोन में दिखाया जाता है उसका नाम अमुंगस होता है, वो भी इसके सही मशरूम की तरह दिखाई देता है गाइस हमें। और ये फायर बॉल मैंने यूज़ किया, इसकी वाट लग गई। अब आया ब्रेवरी, ये हमें वहाँ पे दिखाया गया था जो अलान, नहीं हाँ अलान से ही शायद बैटल जिस सीज़न में हुई थी उसी सीज़न में हमें दिखाया गया था ऐसा मुझे लगता है। अब मैं किक यूज़ करता हूँ, तो हमें जहाँ पे इसे देखा था पहली बार वो कुछ दो ब्रदर्स थे उनके पास ब्रेवरी था, और मैंने जिसे एक और जगह पे देखा था वो कोई था जो पोकेमोन की भाषा समझता था, तो एक बार उसने ब्रेवरी को बचाया था, मुझे यही दोनों सीन्स याद है ब्रेवरी के। तो ये आ गया मुसू को, ये मेरा शायद ताकत खींच रहा था, ये फिर से कुछ बग बाइट है ये शायद। मैं स्लीप पाउडर यूज़ करता हूँ, ये फ्लाई नहीं करेगा, लीच रूट्स यूज़ करूँगा अपने गाइस। ये मुझे वैसा दिखाया था वाइका वोल्ट, जो हमें अलोला रीजन में दिखाया गया था, जो मोटे एक मोटा जो ऐश के साथ दोस्त था उसके पास था ये, और इसे भी ऐश ने ही गिफ्ट किया था। होने के बाद वाइका वोल्ट बन जाता है पोकेमोन में, और अब यहाँ पे ये इसने फ्रीज यूज़ कर दिया, अपनी तो वाट लग गई। अब ये स्लीप में है, ठीक है मैं फ्लाई अटैक करता हूँ इसके ऊपर, अब एक और फ्लाई अटैक, वो ये फ्रीज अटैक यूज़ कर रहा है मुझे फ्लाई। अरे यार ये इसका टाइमिंग बहुत ही अच्छा है, हीलिंग बबल फिर से यूज़ कर रहा है, ओ माई गॉड जल्दी इसको ख़त्म करना होगा नहीं तो ये। अरे यार इसने ही अपनी वाट लगा दी, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार और कुकी भी यूज़ करते ही शायद ये गया काम से। अब आ गया ये प्राइमेप, ये प्राइमेप भी हमें कुछ सीज़न 2 नहीं तो सीज़न 3 में हमें दिखाया गया था गाइस, और ये इवॉल्व होने के बाद, नहीं हाँ पहले मैंकी होता है फिर इवॉल्व होने के बाद प्राइमेप बन जाता है गाइस, वो क्या था एक्रोबैटिक किक, ये तो ये गया काम से ख़त्म, मैं जीत गया +27 स्टार्स। अब आ गया ये मेरा स्टार्स का टोटल 583, और मुझे 309 कॉइन्स मिल चुके हैं गाइस, और ये जो टू क्या है ये स्टोन्स हैं और 22 मेरे पास ये हैं डायमंड्स, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। तो अभी मैं इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ, ये अभी 7 मिनट्स लेगा, लेकिन मैं ओपन कर दे रहा हूँ, ओपन नाउ पे क्लिक करके एक डायमंड वेस्ट कर दे रहा हूँ, और मैंने इसे ओपन कर लिया। ये ब्रो का थोड़ा एक्सपी आ गया, ये लारबाइट का एक्सपी आ गया, ये 43 गोल्ड आ गया गाइस। तो मैंने तो इसे सोचा नहीं है कि अभी मैं इवॉल्व करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसे इवॉल्व करके वेस्ट होगा, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो मैं इसे इवॉल्व नहीं कर रहा हूं गाइस। वैसे मैं इसे भी इवॉल्व नहीं करना चाहता था, क्या नाम है इसका गुच्छाओ, लेकिन फिर मैंने इसे दे दिया, लेवलअप कर दिया, तो अभी मैं सोच रहा हूं इसको इवॉल्व करूं या ना करूं, तो मैं इसे अभी इवॉल्व नहीं कर रहा हूं गाइस, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी ज़्यादा कुछ स्ट्रांग है नहीं, तो इसे इवॉल्व करके मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप में से किसी को पता हो कि ये लारबाइट जो है वो कैसा पोकेमोन है इवॉल्व होने के बाद, तो मुझे कमेंट करके बता देना गाइस। एंड ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।